नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। सौराष्ट्र तमिल संगम रेल यात्रा वडोदरा के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ पहुंची, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सौराष्ट्र तमिल संगम रेल यात्रा का स्वागत किया गया। वडोदरा शहर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सौराष्ट्र तमिल संगम रेल यात्रा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी और कार्यकर सौराष्ट्र तमिल संगम रेल यात्रा का स्वागत करने पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद रंजनबेन भट्ट, जिला कलेक्टर अतुल कौर, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, रेलवे DRM जितेंद्र कुमार सिंह और साथ ही भाजपा के सभी होद्देदार, काउंसिलर और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत तमिल सौराष्ट्र संगम के यात्रियों का स्वागत इन सभी की ओर से किया गया, जिसके बाद इन सभी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रवाना करवाया गया। आपको बता दें कि प्रवासियों की ओर से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का धन्यवाद इस कार्यक्रम को लेकर अदा किया गया। सब नमस्कार, हम मदुरई से आ रहा हूँ। फर्स्ट हम स्वर्णप देखने के पहले द्वारका, वो द्वारका में अच्छा दर्शन हो गया। हम इधर स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू देखने के मदुरई से पूरा लोग, तमिलनाडु से पूरा लोग इधर आ गया। हमको पूरा खुशी हो गया। हमारा प्रधानमंत्री इतना काम कर दिया हमको, तमिल वाला को इधर के ब्लॉक प्रधानमंत्री श्री ना मार्गदर्शन अंतर्गत जे कार्यक्रम नु आयोजन थयुं, एमा तमिल थी आवेला मित्रोए सोमनाथ अने द्वारका नो यात्राधामोनी मुलाकात करी कार्यक्रमों में भाग लीधो। हवे आजे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तरफ एमने प्रस्थान करी रह्या छे। ए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जशे अने आवती काले परत मदुराई तरफ एमा स्पेशल ट्रेन में जशे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।